गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी। कैसे हो आप सब? आमतौर की ज़िंदगी में हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं सुंदर चेहरे पर छोटे छोटे से फेशियल हेयर आ जाते हैं, स्पेशली आपके अपर लिप्स पर एंड आईब्रो एरिया पर आ जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। इनको दूर करने के लिए आप पार्लर के चक्कर लगाते हैं, बट आज की जो सिचुएशन चल रही है उसमें पार्लर जाने में भी डर लगता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेट सेव का फेशियल रेजर। ये मैंने letsave.com से मंगाया है। ये नायका एंड अमेजोन पर भी इजीली अवेलेबल है। ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया है जिस पर लिखा हुआ है लेट सेव फील गुड स्टे शार्प। ये मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, बहुत ही अच्छा है। वैसे बहुत सारी लेडीजें होती हैं जिन्हें फेशियल रेजर यूज़ करने में बहुत डर लगता है या उन्हें फेशियल रेजर यूज़ करना नहीं आता है। पहले मुझे भी यूज़ करना नहीं आता था, मुझे भी बहुत डर लगता था कि इसे कैसे यूज़ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते थे कि कहीं कट ना जाए, छिल ना जाए या रैशेज ना हो जाए। और फिर सबसे ज़्यादा तो डर ही रहता था कि अगर हमने फेशियल रेजर यूज़ कर लिया तो बहुत ज़्यादा बाल तो फेस पे आना शुरू नहीं हो जाएंगे, बहुत नुकीले से तो बाल नहीं आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप टाइम टू टाइम फेशियल रेजर का यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे जो बहुत ज़्यादा हेयर आते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। कई सारी लेडीज़ एंड गर्ल्स होती हैं जिनको फेस पर हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अपर लिप्स एरिया पर, फोरहेड एरिया पर बहुत ज़्यादा हेयर आते हैं। इसके चलते उन्हें कई बार मंथ में कई बार पार्लर जाना पड़ता है। सो अगर आप पार्लर नहीं जाना चाहते हैं तो आप इस फेशियल रेजर का यूज़ करके देखिए। इस वीडियो में मैं इसका सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ, इसका डेमो करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर लोग बोर होने लगते हैं। तो इसको फेशियल रेजर को यूज़ करने की एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि आपने उठाया बस ऐसे ऐसे कर लिया फुर्सत, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक यूज़ करने की प्रोसेस होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रोसेस भी आपको बताऊंगी कि आप अपने फेशियल रेजर को अपने फेस पर कैसे यूज़ करें। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप मार्केट की कोई चालू सस्ते आइटम उठा के बिल्कुल मत लाया करिए, इसलिए क्योंकि वो आपके फेस पे आपके बॉडी को हार्म ही करते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं और छिलने का कटने का सब चीज़ों का डर होता है। बट आप अगर ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, उसको एक यूज़ करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी। आप रोज 50-60 रुपए खर्च कर रहे हैं, हर चौथे दिन वो बेकार हो जा रहा है। इससे अच्छा आप एक बार इस पर इन्वेस्ट करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दिए हैं, इस वीडियो पे आते हैं। चलिए, ये मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये ची का सेट है। मैंने letsave.com से मंगवाया है इसलिए मुझे ये 359 रुपीज में मिला है। अमेजोन पे मैंने चेक किया था, शायद वहाँ पे 399 रुपीज का है। हाँ, तो मैंने इसे डायरेक्ट इसी .com से मंगवाया है, letsave.com से। ये ऐसा 3 का सेट है। ये काफी अच्छा है। बहुत फेशियल रेजर काफी सस्ते वाले भी आते हैं, लेकिन आप उनको यूज़ मत करिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है। वो बहुत ही, यानी जैसे ये स्मूथली आपके फेस के हेयर निकालते ना, उनमें आपको काफ़ी कई बार चलाना पड़ता है जिसके चलते रैसेस हो जाते हैं, कई बार कट जाता है, छिल जाता है। मुझे काफ़ी अपर लिप्स पे ये प्रॉब्लम हो चुकी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, काफ़ी कन्वीनियंट है। आप इसे ऐसे आराम से ऐसे निकालिए। हाँ, घर के बच्चों से दूर रखिएगा क्योंकि ये डेंजर चीज़ें हैं, बच्चों को हार्म कर सकती हैं। ये देखिए कितना शार्प है। मैंने इसे यूज़ किया, जैसे ही आया मैंने वैसे ही इसे तुरंत यूज़ करके देखा। ये काफ़ी अच्छा है, इसका मैं बहुत जल्दी आपके साथ डेमो शेयर करने वाली हूँ। ये 3 के पैक में आया है, बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ मैंने कुछ और मंगाया था लेकिन आ कुछ और गया। ये पेडिक्योर सेट है। आप सोचिए ना, ये तो रेजर जैसा लग रहा है। जी हाँ, ये रेजर जैसा लग रहा है लेकिन ये पेडिक्योर सेट है। ये देखिए, इस पे पैर का निशान भी बना हुआ है। इसका भी मैं आपके साथ डेमो शेयर करूंगी अगर आप बोलेंगे तो, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैं इसका डेमो देखना चाहती हूँ, तो
तो ही मैं आपके साथ इसका शेयर करूंगी, या फिर सिर्फ मैं इसका ही आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। रिव्यू तो मैं शेयर कर ही रही हूँ, डेमो शेयर करूंगी। ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है, बहुत है, ईजी है। आप इसे कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं। आपको किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, आप पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, आप इसका ईजली यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, इसलिए मैंने लोगों सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा रिव्यू शेयर कर दूँ। ये मुझे 2 से 3 डेज में रिसीव हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये मुझे बहुत आसानी से रिसीव हो गया था और काफ़ी अच्छा लगा। ब्रांडेड चीज़ है, बहुत कन्वीनियंट है। आप इसे अपने आईब्रोज के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपर लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर यानी शेव एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड बिकनी एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी एक चीज़ और इस्तेमाल कई सारे। सो हर गर्ल एंड हर वुमन के पास ये फेशियल रेजर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको पार्लर या बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। सो आप अगर आप इसे अपने पास रखेंगे तो इजली आप अपने से ही अपने फेस के हेयर रिमूव कर सकते हैं और रेडी हो सकते हैं। फेशियल रेजर का यूज़ करने के बाद फेस पे बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है, आप मेरे फेस पे देख सकते हैं। मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया, सिर्फ सीसी क्रीम लगाया है। उसके अलावा मैंने यहाँ तक कि फेस पाउडर भी अप्लाई नहीं किया है। आप मेरे फेस पे शाइन देख पा रहे होंगे, काफ़ी बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है फेस, और क्लीन फेस सुंदर तो लगता है। फेशियल रेजर को यूज़ करने के पहले क्या करना चाहिए, यूज़ करने के बाद क्या करना चाहिए, सारे प्रोसेस मैं उसमें आपको बताऊंगी। तो वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, बगल में जो घंटी बजाना बिल्कुल मत भूला करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका भी आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरीके से अपने पैरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी परचेस लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकती हैं। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।